हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परफेक्ट यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे वेम जनसेवा केंद्र एंड ग्राफिक डिजाइनिंग यानी प्रिंटिंग प्रेस का फ्लेक्स कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सीख लेते हैं। और एक लोग का और कमेंट आया था, फ्लेक्स जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग कैसे करें। और इस वीडियो में हम दोस्तों फॉन्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और ये हमारा जो वीडियो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। और हमारे यहाँ पे कोरल ड्रा 12 दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में। और स्टार्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करेंगे कोरल ड्रा, या फिर विंडोज बटन को प्रेस करके और आर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कोरल ड्रा टाइप करके 12 से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम सर्च अभी तक नहीं किए हैं। सब चलिए दोस्तों यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कोरल ड्रा सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कोरल ड्रा टाइप किए और यहाँ पे कोरल ड्रा हमारा दिख गया, और इस पर टिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोरल ड्रा ओपन हो रहा है, और देखिए देखिए पॉपअप कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो दिया है दोस्तों, रिसेंट फाइल दिया है। और जैसे मैं कोई काम कर लिया हूँ और इसे सेव सेव एज किया हूँ, सेव हुआ है, तो वो रिसेंट फाइल में दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू पेज दिया है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, और ये वीडियो ऑलरेडी ही पहले लंबा बनेगा। और यहाँ पे देखिए न्यू पेज दिया है, न्यू पेज पे टिक करेंगे और एकदम जीरो लेवल से हम आप लोगों को फ्लेक्स बनाना सिखाएंगे और मैटर भी टाइप करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंचेस में दिया है, यहाँ मिलीमीटर्स में दिया है दोस्तों, तो हम यहाँ पे फिट में बनाएंगे। तो यहाँ पे फिट में कर लेते हैं, और यहाँ पे फिट में हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये देखिए एरिया बॉक्स हमारा बन चुका है, और मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया एरिया बॉक्स हमें यहाँ पे बन चुका है, इसे हम डिलीट करते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें फिट में, और कितने फिट में बनाना है आप अपने हिसाब से इसको सेटअप करिएगा। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 8, और यहाँ पे ले लेता हूँ 4, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। 4 की जगह पे दोस्तों मैं 5 कर देता हूँ, और कुछ हमें इस प्रकार से फ्लेक्स यानी जो हमारा पोस्टर बनेगा। और इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से फिट में किया, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव इसलिए हम करेंगे कि ताकि हम जब काम कर रहे हैं, काम करते टाइम हमारा सिस्टम बाय द वे स्लो काम करने लगे, हैंग कर जाए, उस टाइम हमारा जो विंडो काम करते करते हैंग कर जाए, उस टाइम हमारा सिस्टम जो है स्लो कट जाए, यानी जो हमारा कोल्ड ड्रा एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जितना हमने बैकअप फाइल यानी जो सेव एज किया था, सेव एज करें मैं कंट्रोल यस करेंगे और कंट्रोल यस करते जाएंगे, इसलिए कि जो काम किए हैं वो सेव होता जाए, और बाय द वे हमारा सिस्टम कट जाए तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें ज्यादा मैटर टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते। मैं यहाँ से देखिए इम्पोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे फाइल में, और फाइल में से जाके यहाँ पे इम्पोर्ट में जाएंगे। और इम्पोर्ट में हम यहाँ पे डेस्कटॉप चूज करते हैं, और डेस्कटॉप पे मैं मैटर रखा हूँ जिसको हम टाइप करेंगे भी और उसे बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल 1 कॉपी करके रखा है, मैं इसे टिक करके और यहाँ से प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट किया दोस्तों, और यहाँ पे यहाँ कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो हमारा मैटर रहेगा, मैटर वर्स में जो कस्टमर दिया है, कस्टमर इतना सा हमको मैटर दिया, और इसको हम सेटअप करेंगे और टाइप करेंगे। तो दोस्तों हम जो टाइपिंग यानी जो फ्लेक्स का जो टाइपिंग बनाते हैं वो बनाते हैं राज फॉन्ट में और कुर्तिदेव फॉन्ट में, दो फॉन्ट में हम ज्यादातर यूज करते हैं। और एक फॉन्ट है भास्कर और उसका, और एक नीलम, नीलम तो फिलहाल मैं नहीं यूज करता हूँ इसको उसको क्योंकि इसलिए कि फॉर्मेट सिस्टम में जल्द कराया हूँ। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैटर है, मैटर को मैं टाइप कर लेता हूँ। और जो लोग कुर्तिदेव फॉन्ट नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, तो कुर्तिदेव उन लोगों में इंस्टॉल हो या फिर गूगल से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, और मैं उसका चार्ट आप लोगों को वीडियो में पीडीएफ फाइल करके दे दूंगा, और आप लोग वहां से डाउनलोड करके चार्ट के हिसाब से आप लोग सीख सकते हैं कि कुर्तिदेव टाइपिंग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टिक करते हैं। यहाँ पे टिक किए दोस्तों, और यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ फिलहाल, और इसे यहाँ पे बड़ा करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके इसे यहाँ से बड़ा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ा हो चुका है, इसे हम दोस्तों सेव करेंगे। पहले हमने बताया था सेव करेंगे, और कंट्रोल यस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डेस्कटॉप पे या फिर कहाँ रखना चाहते हो, तो मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे हमने चूज किया। और यहाँ पे किस जगह पे
किस फोल्डर में रखना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट डेस्कटॉपली ही रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर दिया है, क्रिएट न्यू फोल्डर ये दोस्तों, यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर शो करके आ रहा है, और इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे रीनेम करेंगे और यहाँ पे जो नाम आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8x5 फिलहाल कर देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों इंटरप्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक बार इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे और जो फोल्डर हमने बनाया था वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, और उस फोल्डर में हम जो हमारा ये ग्राफिक्स वन करके दे रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ आप नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों फाइल नेम, तो दोस्तों हम यहाँ पे फाइल नेम ग्राफिक्स वन ही रहने देते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। दोस्तों ये हमारा जो फ्लेक्स है सेव हो चुका है। बाय द वे हमारे यहाँ से सिस्टम मान लीजिए हैंग करके कट जाता है, तो हम जो मैटर यहाँ पे टाइप किए थे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ हमने यहाँ पे टाइप किया था ना, वो टाइप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको फिर से ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो आप में ऐसे भी शो ना करे तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे हमने सेव किया था, इस फोल्डर को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स वन दिया है और इसको डबल टिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें जो जितना हमने सेव किया था उतना ही पे ओपन हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए एरियल फॉन्ट दिखा रहा है, आप में कुछ और दिखाएगा, और यहाँ पे आप लोग कोई और फॉन्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ से राज फॉन्ट कर लेता हूँ दोस्तों, मैं राज वन कर लेता हूँ। राज वन किया दोस्तों, और इसके बाद आप लोग टाइपिंग कर लीजिएगा, मैं इसका चार्ट आप लोगों को दे दूंगा वीडियो में। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे टाइप कर लिया राजश्री जनसेवा केंद्र, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों हमारा जो शॉप का नाम था, यानी राजश्री और प्रिंटिंग प्रेस दोनों को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी बैंक से पैसा लेन देन करने की सुविधा उपलब्ध है, यानी जन सेवा केंद्र और प्रिंटिंग दोनों का हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको प्लस बटन के साथ कॉपी करके और यहाँ पे ड्रैग करके रख देंगे, और इसके बाद इसे छोटा करेंगे, और इसके बाद इसका फॉन्ट दोस्तों हम यहाँ से चेंज कर लेंगे और इस पे टिक करेंगे यहाँ पे राजवन पे, और इसका फॉन्ट दोस्तों हम कर देंगे राज 16 कर देंगे, और राज 16 पे किए दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डबल टिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स है टेक्स आ जाएगा, और इसको कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और इसी पे एडिट कर देंगे, फिर लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन और टाइप कर लिया दोस्तों, जो हमारा टाइप पे किसी बैंक से पैसा लेन देन करने की सुविधा उपलब्ध है, और जो शब्द मिस्टेक होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे भी प्लस बटन से कॉपी करके नीचे रख लेंगे, तो और यहाँ पे देखिए लिख देंगे आय जात यानी जाति,
हमने दोस्तों यहाँ पे कुछ इतना सा लिख लिया और फिर इसके बाद दोस्तों लिख लेंगे शादी कार्ड। देखिए दोस्तों यहाँ आप लोग में भी कुछ शादी कार्ड या फिर कोई भी शब्द लिखने पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे सर्च इंजन में और यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर मैप टाइप करेंगे, कैरेक्टर मैप टाइप करेंगे दोस्तों और यहाँ पे देखिए दिया है से राज्य 16 और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे शादी कार्ड दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे जितना मैटर हमें सेटअप करना था तो सबको हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रख लिया और कंट्रोल यस कर देंगे ताकि हमारा जो फ्लेक्सिबल शेप हो जाए। और उसके बाद दोस्तों इसे यहाँ पे हमने जितना मैटर टाइप कर सेटअप करना था सबको हमने यहाँ पे टाइप करके रख लिया। और हम सीखेंगे गूगल से भी कैसे इमेज यानी कुछ भी जो भी कैसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों इतना टाइप कर लिया हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरिया बॉक्स को जूम करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को टिक करके और यहाँ पे ड्रैग करके रख लेंगे और यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और हमें बॉर्डर भी देना है इसमें। और बॉर्डर कैसे देंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखिए फिट में हम पहले किए थे, फिट में इस जब किए थे तो यहाँ पे फिट में हमारा 8x5 का जो रेक्टेंगल यानी एरिया बॉक्स ड्रॉ हुआ था। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 1 इंच में, 1 इंच करी या फिर 2 इंच आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंच में पहले कर लेता हूँ। यहाँ पे जब इंच में करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फिट में था वो कन्वर्ट होके इंच में आ चुका है, यानी यहाँ पे फिट में किए तो यहाँ पे फिट में दिखा रहा है। जब जैसे हम इंच में यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट होके इंच में आ जा रहा है। तो यहाँ पे टिक, एक यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल पे टिक करेंगे और यहाँ पे ट्रैक करेंगे और यहाँ पे एक कर देंगे और यहाँ पे भी एक कर देंगे, एक किए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक छोटा सा यहाँ पे 1 इंच का हमें एक बॉक्स यानी एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो मैं इसे 1 इंच का करना करके यहाँ पे 2 इंच कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ बड़ा सा आ चुका है। और क्योंकि फ्लेक्स के हिसाब से ही बॉर्डर आप लोगों को देना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा फ्लेक्स होगा उतना ज्यादा ही यानी आप लोगों को बॉर्डर देना है। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये जो रेक्टेंगल यानी दिया है इस पे यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इंटेक्टिव और यहाँ पे दूसरे नंबर पे इंटेक्टिव कंट्रास्ट लेंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, कुछ इतना सा कर देंगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये जो हम रेक्टेंगल 2 इंच का बनाए थे और यहाँ से जूम पॉइंटर लेंगे और जूम पॉइंटर से यहाँ से जूम करके और यहाँ पे जूम करके और यहाँ पे लाते हैं और इसे ड्रैग करके इसमें सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच में इतना ज्यादा हमारा जो इतना ज्यादा एरिया यानी एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट करेंगे, इस पर टिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्रेक पार्ट दिया है, या फिर इसका दोस्तों कंट्रोल के साथ के आप कर सकते हैं। ब्रेक पार्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जो एक पार्ट में यानी ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जो ये एक पार्ट में आप लोगों को भी फिलहाल है, जिसे मान लीजिए मैं डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापिस आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों जब डिलीट किए तो एक पार्ट में है और जब यहाँ पे ब्रेक के पार्ट करते हैं तो यहाँ पे रुक जाता है। ब्रेक का मतलब, ब्रेक का मतलब आप जानते हैं रुकना, और पार्ट का मतलब होता है अलग अलग अलग, यहाँ पे ब्रेक के पार्ट कर देते हैं और यहाँ पे ब्रेक के पार्ट कर देते और इस पर फिर राइट क्लिक करके और यहाँ से ऑल अनग्रुप कर देंगे, ऑल अनग्रुप कर दिया दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है सबको यहाँ से डिलीट कर देता है।
और अंदर का भी डिलीट कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि हमें 1 इंच का बॉर्डर भी लेना है ना। या फोर प्रेस करता हूं तो देखिए दोस्तों 1 इंच का हमें यहाँ पे फिलहाल बॉर्डर मिल चुका है। और फिलहाल मैं दोस्तों इसमें कलर नहीं फिल करूंगा, और जो हमारा मैटर है मैटर को इसमें फिलहाल जो टाइप किया हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट को इसमें यहाँ पे सेटअप करूंगा। तो मैं दोस्तों इसे यहाँ पे रखता हूँ, और प्रिंटिंग प्रेस जो है तो मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बाद दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं को मैं दोस्तों यहाँ पे रखता हूँ। ये जो टेक्स्ट देखिए जिस इसको हमने इसमें टाइप किया था, और जिसे यहाँ पे बैक इसे मार के और इसे A1 कर देंगे यहाँ पे, और खाली छोड़ देंगे, और इसको भी। तो देखिए दोस्तों हमने इसे यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद दोस्तों इसको हम सेटअप करेंगे। तो कैसे सेटअप करेंगे दोस्तों, चलिए सीख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम इसे छोटा करेंगे और इसे यहाँ पे रख देते हैं, और सॉरी दोस्तों कंट्रोल जेड करते हैं और इसे यहाँ पे लाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और इसको इसमें सेटअप करेंगे। और इसे रूम कार्ड के दोस्तों हम ऊपर करेंगे और यहाँ कॉमा, और यहाँ से इसको एंटर मार के नीचे लाते हैं, और इसको यहाँ से ऊपर करते हैं, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको नीचे, और इसके बाद यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं। इतना हो गया दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए दिया है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिया है, और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, तो ये दोनों सेंटर में हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे लाके सेटअप कर सकते हैं, और इसे हम यहाँ पे फिलहाल रख देंगे। और हमें कुछ इमेजेस भी लगाना है, शादी कार्ड यानी बैंक ATM जो हम प्रिंटिंग संबंधित कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल में कुछ हमारा इस प्रकार से सेटअप हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमें अब चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे, और आप लोग में जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो आप लोगों को सर्च करना है तो सर्च आप लोग कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे VMTech का लोगो पहले सर्च कर लेता हूँ, VMTech लोगो यहाँ से PNG सर्च किया दोस्तों, और यहाँ पे इमेज दिया है दोस्तों, और यहाँ पे इमेज पे टिक करेंगे। लोगों को यहाँ से जो अच्छा लगे उसे आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इसे पहले टिक करता हूँ, और टिक करने के बाद जब ये फ्रेश क्लियर दिखने लगे तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, इमेज एज दिया है और सेव इमेज एज करेंगे, और इसके बाद दोस्तों सेव एज इमेज हो जाएगा। और पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं डाउनलोड में या फिर डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप चूज किया यहाँ से। और यहाँ पे नाम जो आप लोग चेंज करना चाहते हैं आप लोग चेंज कर सकते हैं, मैं यही को यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव किया दोस्तों, और यहाँ पे भी शो हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से मिनिमाइज किए दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों यही जो यहाँ पे हमारा लोगो शो हो चुका है, और इसे यहाँ से ड्रैग करके और इसमें यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो लोगो है और यहाँ पे ओपन हो चुका है, और फिलहाल लोगो को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब चलिए दोस्तों इसमें हम कलर फिल करते हैं, मैं बॉर्डर को डीप नाइट ब्लू कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें जो है इसमें रेड कलर फिल करता हूँ, और इसका आउटर लाइन दोस्तों यहाँ से व्हाइट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों व्हाइट देखिए विथ आउटर लाइन कलर दिया है, व्हाइट हाईलाइनर, यहाँ से दोस्तों आउटर लाइन हम बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आउटर लाइन दोस्तों हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस पर डबल टिक करूंगा, इसको टिक करके दोस्तों कीवर्ड से F12 प्रेस करेंगे, और मिलीमीटर्स में दिया है तो मैं यहाँ पे इंच में कर दूंगा, और यहाँ पे जो बॉर्डर हमें बढ़ाना था हमें यहाँ पे बॉर्डर बढ़ा देंगे, कुछ और बढ़ा देंगे दोस्तों, करीब करीब 1 इंच का यहाँ पे कर देते हैं मिनिमम मान लीजिए, और 1 इंच की, और यहाँ से ओके। देखिए दोस्तों 1 इंच का हमें यहाँ पे बॉर्डर मिल चुका है, और 2 इंच का हम दिए ही थे। F4 प्रेस करते हैं और यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे इसको सेटअप करते हैं। अब देखिए कैसे हम सेटअप करेंगे वो हमारा माइंड, और हम जितना सोचेंगे उतना अच्छा सेटअप इसको करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक इलिप्टिकल टूल लेते हैं, इलिप्टिकल टूल लेके और यहाँ पे ड्रैग करेंगे, और इसके बाद यहाँ से इफेक्ट में जाके पावर क्लिप इंसर्ट करेंगे, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर क्लिप एडिट करेंगे, और यहाँ पे
इसे सेटअप करेंगे और इसमें व्हाइट कलर फिल कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों व्हाइट कलर फिल किए और इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसे ऊपर करेंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे। और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट किए दोस्तों तो हमें कुछ इस प्रकार से सेटअप यानी सेटअप हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसका कलर हम दोस्तों येलो कर देंगे जो हमारा फ्लेक्स का नाम रहेगा और इसको हम यहाँ से येलो कर देंगे। येलो कलर किए कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस बच रहा है दोस्तों इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इसे फिर एडिट करेंगे और इसके बाद इस पर टिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे कुछ यहाँ से इस कॉर्नर को यहाँ से नीचे की तरफ राउंडेड कर देंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पे सेटअप इस साइड कर लेंगे दोस्तों या फिर इस साइड भी कर सकते हो। तो मैं इसी साइड कर देता हूँ बट इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कोई और कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ आज 10 को। और इसका भी कलर दोस्तों मैं इसे मैं एक रेक्टेंगल में सेटअप कर दूंगा। तो यहाँ से जूम पॉइंटर से जूम और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसे यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। और इसका यहाँ शेप टूल दिया है दोस्तों, शेप टूल पर टिक करके और इसका जो शेप है इसको यहाँ से राउंडेड कर देंगे। और इसके बाद ये जो नीचे है इसको शिफ्ट के साथ पेज ऑफ करेंगे, पेज ऑफ किए दोस्तों। और इसमें हम डार्क ग्रीन कलर फिल कर देंगे, डार्क ग्रीन। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम इसका कलर दोस्तों हम व्हाइट कर देंगे और इसके बाद इसे छोटा करके इसमें फिक्स आप कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम बीच में देखेंगे कि कौन कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना प्रोसेस कर रहा हूँ। और हमारे वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको दोस्तों हमने यहाँ पे सेटअप किया और इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा टेक्स है इसको इसी में हमने इस यहाँ पे हम कोई और कलर दे देते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें रेड कलर दे देता हूँ। ये जो बचा है दोस्तों इसे हम यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ किए दोस्तों इसे ड्रैग करके नीचे रखेंगे और इसमें डीप नेट कलर कलर फिल कर देंगे दोस्तों। और जो टेक्स है टेक्स को पेज ऑफ कर लेंगे या फिर दोस्तों इसमें कोई और कलर फील आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये रेड बटन है, रेड बटन को प्रेस करके और इसमें डार्क रेड बटन फिल किया। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको हम इसमें व्हाइट कलर और सेलेक्ट करके सी की प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। और जो सेंटर में आने के बाद दोस्तों ये जो हमारा वेम टेक का लोगो है, वेम टेक का लोगो को हम यहाँ पे रखेंगे, वेम टेक लोगो को हो गया दोस्तों। और यहाँ से ले लेते हैं जूम पॉइंटर और यहाँ से जूम पॉइंटर से जूम करते हैं। फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ली और यहाँ पे मेन में जो मेन पॉइंट है इस पर टिक करेंगे और कंट्रोल बटन को प्रेस करके और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे। और यहाँ से शेप टूल लेंगे, शेप टूल के माध्यम से इसका कॉर्नर हम यहाँ से राउंडेड कर देंगे। राउंडेड किए दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पे रखेंगे और प्लस बटन के साथ कॉपी करके एक कॉपी यहाँ पे रखेंगे और एक कॉपी हम यहाँ पे रखेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे तो इस सेंटर में हो जाएगा और इसे छोटा कर देंगे, इस प्रकार से छोटा कर देंगे दोस्तों। और इस एक कॉपी हम यहाँ पे भी रख देंगे और एक कॉपी यहाँ पे भी रख देंगे। और यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा सा एरो क्लिक के माध्यम से हम एडजस्ट कर लेंगे, हो गया दोस्तों। और इसमें मान लीजिए मैं फिलहाल येलो कलर फिल करता हूँ और इसके इसका आउटर लाइन दोस्तों मैं नन कर देता हूँ। तो देखिए वहाँ पे कुछ इस प्रकार से इमेजेस यानी डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, पैन कार्ड का कर लेते हैं, एक फ्लेक्स मशीन का कर लेते हैं। गूगल पे गए और यहाँ पे टाइप कर देंगे पैन कार्ड, बॉक्स पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रंगीन दिया, रंगीन की जगह यहाँ पे पारदर्शी, आप लोगों में ट्रांसपेरेंसी दिया होगा। यहाँ पे टूल दिया है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ कलर दिया होगा और मेरे में रंगीन दिया क्योंकि मैं हिंदी, हमारा जो क्रोम ब्राउज़र हिंदी में हो चुका है। और यहाँ पे पारदर्शी दिया है और आप लोगों में ट्रांसपेरेंसी देगा और ट्रांसपेरेंसी पे आप टिक करेंगे तो यानी पी एन जी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। पी एन जी को यहाँ पे फिर इसके बाद डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए मैं इसी को यहाँ पे फिलहाल और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और जब तक ये क्लियर ना हो जाए उसके बाद ही यहाँ से डाउनलोड ना करें। फिर इसके बाद राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी दोस्तों हम करके यहाँ पे टिक किया और ये जो हमारा पैन कार्ड लिखा है पैन कार्ड को यहाँ पे ड्रैग करके
यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं दोस्तों इसे छोटा करके फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों कुछ इसमें हम क्लिप आर्ट यानी जो टेम्पटेक को दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं, जो हमारा लोगो रहे लोगो को हम फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं। शिफ्ट के साथ पेज अप करते हैं। देखिए दोस्तों हम जैसे जैसे इमेज डाउनलोड करते जाएंगे वैसे वैसे जो सेटअप होगा उसका लुक चेंज करते जाएंगे और देखेंगे हमारा लास्ट में जो फ्लेक्स है वो कैसा लगेगा। और आप लोगों का कमेंट यही था, तो ये वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे दोस्तों शादी कार्ड, यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और कलर्स और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी पे टच किए दोस्तों। तो दोस्तों इसको इस कार्ड को डाउनलोड करूंगा और इसे यहाँ से सेव एज करूंगा। आप लोग वेट करिएगा जब तक ये क्लियर ना दिखे, मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। और जो हमारा ये रेक्टेंगल हमने बनाया था इसमें हम कर देंगे इसको पावर क्लिप कर देंगे। और यहाँ पे पावर क्लिप करते हैं दोस्तों, पावर क्लिप किए और इसे थोड़ा सा छोटा करके इसमें सेटअप पे इसको भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फट रहा है क्योंकि हमें हमने इसको एचडी होने का मौका नहीं दिया। और यहाँ पे फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसका कलर दोस्तों व्हाइट कर देंगे और इसका आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको भी अलग लुक में सेटअप करेंगे। फिलहाल मैं इमेजेस से डाउनलोड कर रहा हूँ, शादी कार्ड हो गया दोस्तों। और मैं एक कप फिंगर मशीन ले लेता हूँ यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक और यहाँ से पारदर्शी करके यहाँ पे दोस्तों मैं फ्लेक्स मशीन लगा लेता हूँ और मैं इसमें से एक फ्लेक्स मशीन को डाउनलोड कर हमने इसको लिया दोस्तों और इसे यहाँ पे ड्रैग करके और इसमें यहाँ पे लाते हैं और इसे जूम पॉइंटर से बड़ा यानी यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ से बड़ा कर देंगे। और कुछ कटिंग इसका सही नहीं हुआ है और मैं फिलहाल इसी को यहाँ पे सेटअप करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसमें हम कुछ जो इमेजेस डाउनलोड किए थे और इसमें सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे मैं फिंगर मशीन को रख लेता हूँ या फिर यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे स्पेस है और इसे हम यहाँ पे देखिए एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, इसे यहाँ पे बाहर ड्रैग करेंगे और सेफ टूल लेंगे, सेफ टूल को इस पर टिक करेंगे और यहाँ से इसका एरिया बाहर का इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे लाकर सेटअप कर देंगे। और आधार कार्ड डाउनलोड किए थे दोस्तों और यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड को यहाँ पे लाते हैं और इसे हम कवे आउट लाइन कोई और कर देते हैं। और बस ये हमारा यहाँ पे तीन बॉक्स बचा है दोस्तों। तीन बॉक्स में हम कोई और चीज डाल देते हैं, पासपोर्ट डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट डाल देते हैं। डेस्कटॉप पे और इसे फिर यहाँ से ड्रैग करके लाते हैं और इसमें भी इसको हम सेटअप कर देंगे। जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे और इसका आउटर लाइन भी ब्लैक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक किया दोस्तों। और यहाँ पे बच गया दोस्तों कुछ और फिक्चर्स ले लेते हैं, ब्लैक सपोर्ट ले लेते हैं दोस्तों। मैं इसे ही इसमें फ्लेक्स को सेटअप कर लेंगे और यहाँ से सेव एज इमेज करेंगे, डेस्कटॉप यहाँ पे ड्रैग करके और यहाँ से इसमें लाते हैं और इसको यहाँ से पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप के दोस्तों इसे छोटा करेंगे और यहाँ से इसका आउटर लाइन नन वाइट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देंगे। फिर इसमें दोस्तों वही सेम चीज सेम प्रोसेस करेंगे, कोई इमेज इसमें भी सेटअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पीसी ले लेता हूँ मैं इस इमेज को लेता हूँ दोस्तों और इसे यहाँ से ड्रैग करके और इसमें
और क्लिप कर दूंगा। और इसके बाद दोस्तों एडिट, और यहाँ से जूम पॉइंटर से जूम करेंगे और इसे यहाँ पे छोटा करेंगे दोस्तों। और यहाँ से फिनिश एडिटिंग और विजिट करेंगे, इसका कलर भी आउट और वाइट। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो जनसेवा केंद्र का फ्लेक्स था, सिंपल जो फ्लेक्स था वो हमने यहाँ पे डिजाइनिंग यानी ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा नाम है राजश्री, और इसका कलर हम दोस्तों आउटर लाइन ब्लैक कर देंगे, और इसका आउटर लाइन यहाँ से बढ़ा देते हैं या यहाँ पे टिक कर दे, और इसका कॉर्नर यहाँ से बढ़ा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो फ्लेक्स था, फ्लेक्स बन के रेडी हो चुका है। और नॉर्मली फ्लेक्स, और इसको हम यहाँ पे सेटअप यानी प्रिंट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से छोटा कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे नीचे करते हैं, और इसका जो आउटर लाइन था हमने ब्लैक का उसको हटा दिए, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और जो नीचे वाइट था उसको यहाँ से रेड कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डार्क रेड कर देंगे, और इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं। फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट तो कुछ हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। और इसे हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को यहाँ से कर देते थे डिलीट, और यहाँ पे लाते हैं दोस्तों, यहाँ पे रखते हैं। इसका भी कलर हम डीपने ब्लू कर देता हूँ, और इसे छोटा करेंगे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ लाएंगे। नीचे दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके बाहर करेंगे, और यहाँ पे कुछ इमेजेस हम कुछ सेट कर देंगे, और इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और इसे यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, और इसे हम बाहर कर देंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस को हम दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़ा कर देंगे, और जनसेवा केंद्र को भी हम कुछ इतना सा बड़ा कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों कुछ इसमें स्पेस बच रहा है, और इसको हम पहले सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे प्लस बटन से कॉपी करेंगे, और इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ और लेफ्ट एरो की के माध्यम से कुछ इस प्रकार से सेटअप कर लेंगे, और थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे, और इसे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं दोस्तों, इसे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और इसमें दोस्तों हम कलर कर देंगे, डार्क ग्रीन कलर फिल कर देंगे, डार्क ग्रीन कलर फिल की। और जो हमारा ये रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, उसमें हम कोई और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, फिल टूल पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों टेक्सचर फिल डायगोनल टूल दिया है, और इस पर टिक करके, और यहाँ पे टिक करके कलर चूज कर लेंगे जो अच्छा लगे हमें दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं इस कलर को चूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं रेड करता हूँ, और यहाँ से प्रीव्यू कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शेप बना देंगे, कुछ इतना सा यहाँ से कॉर्नर को घुमा देंगे कुछ इस प्रकार से। बैकग्राउंड इसको हम रेड कर देंगे, और यहाँ से इसका कलर रेड कर देंगे। इसका जो आउटर लाइन था दोस्तों, इसको F12 प्रेस करके 1 इंच का हो गया दोस्तों, और इसको हम यहाँ पे सेटअप हो गया दोस्त। और यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से ब्लेंडिंग इसको कर देता हूँ, और इसका कलर दोस्तों मैं रेड कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस प्रकार से फ्लेक्स यानी जनसेवा केंद्र का हो जाएगा, और कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल। और जो हमने यहाँ पे गूगल से इमेजेस डाउनलोड किया था, इसको भी सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे सेटअप करेंगे यहाँ पे। फिर दोस्तों हम एक रे इलेप्टिकल टूल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, और इसमें हम कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस का उसको ऐप करके, और इसमें हम कर देंगे, इसमें हम कोई डीप नाइट ब्लू भी कलर रखता हूँ दोस्तों, और इसका आउटर लाइन दोस्तों यहाँ से नन करता हूँ, और इसे ड्रैग करके नीचे रखता हूँ, और इसे यहाँ से इसमें हम बड़ा कर देंगे, और इसका कलर दोस्तों हम व्हाइट कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये फ्लेक्स
मशीन बच रहा था, फ्लेक्स मशीन को हम यहाँ पे रखते हैं और इसका जो एक कॉर्नर इधर उधर है इसे हम यहाँ पे छोटा कर देंगे, इसे यहाँ पे बड़ा करते हैं, इसे छोटा करते हैं और इसे हम छोटा करेंगे और ये हमारा फ्लेक्स मशीन को हम यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ही रखेंगे वहीं पे जहाँ पे था है। और इसके बाद दोस्तों इसे हमने यहाँ पे रखा और कुछ समय इस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टाइप किया था और इसे हम यहाँ पे इतना सा ड्रैग करके अंदर की तरफ इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है यानी जो क्लिप आर्ट यानी जो इमेजेस हमने गूगल से डाउनलोड किया था सबको सेलेक्ट करके और हम यहाँ पे लाकर रख देंगे और इसे हम यहाँ पे लाकर यहाँ पे बड़ा कर देंगे और वेम टेक का लोगो जो था लोगो को हम यहाँ पे रख देंगे, वेम टेक लोगो जो था लोगो को हम इस साइड भी रख सकते हैं और इसे हम इस साइड और लोगो को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसे हम इसमें सेटअप करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से कहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बाहर ड्रैग करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे और इसके बाद दोस्तों इसमें हम कर देंगे पावर क्लिप, इसे भी हम इसमें पावर क्लिप किए दोस्तों और यहाँ पे लाएंगे और इस कॉर्नर को यहाँ पे टिक करके और कुछ इस यहाँ से यहाँ तक राउंडेड शेप कर देंगे और इसके बाद दोस्तों इसका भी कॉर्नर जो है ना यहाँ से राउंडेड कर देंगे और इसमें हम 10% ब्लैक कलर फिल कर देंगे और इसका आउटर लाइन हम करेंगे और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेडियंट टूल लिया और यहाँ से हम इसको ग्रेडियंट यानी रेडियल बना लेंगे और यहाँ से बढ़ा करते हैं फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट के दोस्तों और कुछ यहाँ तक गया और इसके बाद दोस्तों इसमें हम इसको सेटअप करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट और इसमें हम ये जो टेक्स्ट है सबको यहाँ से इधर बाहर अंदर की तरफ और ड्रैग करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके और इसे हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे और इनका आउटर लाइन जो था हम यहाँ से बढ़ा देंगे, आउटर लाइन को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं पॉइंटर से जूम के बढ़ा के दोस्तों और इसे हम रेड कर देते हैं इसका आउटर लाइन और इसे थोड़ा सा अंदर हम ड्रैग करेंगे फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट और ये टेक्स इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं या F4 प्रेस करते हैं और इसे यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर देते हैं दोस्तों, जूम पॉइंटर से जूम करते हैं और जो ये रेक्टेंगल टूल यानी जो इलिप्टिकल टूल के माध्यम से हमने प्रिंटिंग प्रेस सेट किया था और इसको हम यहाँ से रेडियल बना देंगे, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल जेड करते हैं और इस पर टिक करेंगे इंटरेक्टिव फील्ड टूल यानी जी प्रेस करेंगे और यहाँ से रेडियल इसको बना लेते हैं, रेडियल बनाएंगे और इसमें हम कोई और मान लीजिए मैं मैजेंटा दे देता हूँ, मैजेंटा में ये कलर देता हूँ और मैजेंटा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसका जो आउटर लाइन था कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसका कलर दोस्तों मैं डार्क ब्लैक कर दूंगा, डार्क रेड कर दूंगा, ब्लैक कर रहा हूँ दोस्तों सॉरी। और इसका भी कलर मैं जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैं इसी को रखता हूँ और इसका आउटर लाइन आप लोग दे दीजिए F12 प्रेस करके और यहाँ से दोस्तों देखिए इसे हम यहाँ से इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर को हम रेड दे दें या फिर येलो भी दे देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसको हम एक्सपोर्ट करके अब प्रिंट कर सकते और यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग टूल दिया, ब्लेंडिंग टूल को यहाँ पे टिक करके और यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर देंगे और दोस्तों कुछ इसमें और एडिट आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं ये जो हमारा जो इलिप्टिकल टूल का रेक्टेंगल इस पर प्लस बटन से कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसमें हम दोस्तों कर देंगे रेड कलर व्हाइट कलर फिल कर देंगे और
ये जो हमारा टिक्स है टिक्स को ऊपर करेंगे और इसमें हम दोस्तों रेड भी कर देंगे तो भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और या फिर कुछ इसमें और डिफरेंट करना चाहते हैं तो मैं डिफरेंट के लिए आप लोगों को बता दूं, जो व्हाइट वाला हमने यहाँ पे एक को प्लस बटन से कॉपी किया था और इसको टिक करके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इरेजर ट्रांसपेरेंसी यानी इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल दिया है, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ कर देंगे और इसे हम ड्रैग करके ऊपर रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से इफेक्ट यानी मिलेगा इसमें देखने के लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इसके बाद दोस्तों इसका कलर हम दोस्तों व्हाइट कर देंगे या फिर रेड, येलो कलर भी कर देंगे और या फिर रेड कलर में व्हाइट कलर, व्हाइट कलर में देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो फ्लेक्स है ऑलरेडी बन के रेड दिखाए और इसमें हम दोस्तों इसको इसका कलर हम डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, डार्क ग्रीन किए दोस्तों यहाँ से इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल लेते हैं और यहाँ से अटैच कर देते हैं और ये हमारा जो फ्लेक्स है वन के रेडी हो चुका है और इसे आप लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे वो चेंज। और इसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को तो एक्सपोर्ट के बारे में जानते हैं और यहाँ पे फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट दिया है एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जेपीजी आप लोग चूज करेंगे और नाम दे लीजिएगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे रेजुलेशन 300 यानी 300। और दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।